केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद क्या होगा आप पार्टी का भविष्य? पार्टी के नेताओं को किस बात का है डर? 3 जनवरी को होगा बड़ा खेला, लोकसभा से पहले केजरीवाल का बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के भविष्य की, आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के भविष्य की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ईडी ने उन्हें तीसरा समन जारी कर दिया है और पूछताछ के लिए नए साल यानी 3 तारीख को बुलाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल तीसरे समन बाद भी अगर पूछताछ में शामिल नहीं होते तो क्या ईडी उन्हें घर से गिरफ्तार करेगी, और अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या रहेगा? क्योंकि आपको यह समझना होगा कि शराब घोटाले मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और बात करें हम संजय सिंह और बात करें जिस तरीके से अब लगातार आम आदमी पार्टी के और कई नेता हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल ये ठहरता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि जिस पार्टी का संयोजक ही गिरफ्तार हो जाए उस पार्टी पर सवाल उठने लाजमी है। तो आज इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी नाजमीन जी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा होगा। नाजमीन जी, जिस तरीके से आप देख रही हैं लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों पर आपकी नजर है, आपको पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि अरविंद केजरीवाल अगर तीसरे समन में जो है पेश नहीं होते हैं, तीसरी पूछताछ में पेश नहीं होते हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जो है संजय सिंह की तरह ईडी गिरफ्तार करती है घर से, तो फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा? सिराज, देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जब पहला नोटिस जारी किया गया था तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इतना कहा था कि राजनीतिक प्रेरित है, जानबूझकर चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी ना कर पाए। उस दौरान विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मध्य प्रदेश दौरे पर जाना था, वो सबसे ज्यादा जरूरी था अरविंद केजरीवाल के लिए। इसलिए उन्होंने घुमा फिरा के बात की कि यहाँ पर ईडी अधिकारियों ने जो नोटिस जारी किया है, जो समन जारी किया है, उसका जवाब वो उनके सामने जाकर नहीं बल्कि यहाँ पर लिखित रूप में देते हुए नजर आएंगे। तो जवाब उन्होंने इस तरीके से दे दिया कि यहाँ पर वो जरूरी नहीं समझते हैं कि ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रेरित बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद मामला कहीं ना कहीं शांत हो गया था। देखा गया कि यहाँ पर ईडी अधिकारी दूसरा नोटिस कब जारी करेंगे, इसको लेकर चर्चाएं होने लगी। इस दौरान यहाँ पर फिर से अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस आता है, फिर अरविंद केजरीवाल जवाब दे देते हैं, वही जवाब देते हैं जो पहले नोटिस के दौरान देते हुए नजर आए थे। अब ये तीसरा नोटिस जारी किया गया है, अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता उनकी तरफ से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को डर लगेगा कि ईडी अधिकारी यहाँ पर उनसे पूछताछ करेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर केंद्र सरकार के इशारों पर फंसाया जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। और साफ तौर पर वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि शराब घोटाले मामले को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को हटाया जा सके, सत्ता से बेदखल किया जा सके। अब देखिए कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह तीनों ऐसे बड़े नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के बाद जिम्मेदारियों को संभाल सकते थे, लेकिन इन्हीं तीनों नेताओं को यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है और सफर शुरू हो जाता है कि यहाँ पर सुनवाई होती है लेकिन राहत नहीं मिल पाती है। तो वही अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अगर वो तीसरे नोटिस का जवाब भी ईडी दफ्तर ना जाकर बल्कि यहाँ पर बातों ही बातों में दे देते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इतनी आसानी से तो गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकती है, बल्कि हाँ उनके घर जरूर जाया जा सकता है, ईडी अधिकारी उनके घर पर जा सकते हैं, उनके घर पर ही पूछताछ कर सकते हैं। हो सका तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन तुरंत उनकी गिरफ्तारी तो यहाँ पर संभव नजर नहीं आती है। और अगर इन तमाम मुद्दों के बाद यानी कि तीसरा नोटिस जारी हो गया, अरविंद केजरीवाल के घर पर भी ईडी अधिकारी आ गए और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर डटे रहे, तो आप मानिए कि अगर गिरफ्तारी होती है तो अरविंद केजरीवाल का भविष्य आप उस अंधकार में देख सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में है और यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता है जो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारियों को संभाल सके। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली से सत्ता से जाना तो उनका यहाँ पर तय माना जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब नाजमीन ने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का भविष्य अंधकार में जा सकता है।
लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि एक तरफ जो है एक मुख्यमंत्री को यानी केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी और दूसरी तरफ मीडिया में केजरीवाल का नाम गूंजेगा, जो कहीं ना कहीं जानता भी नहीं आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, वो भी कहीं ना कहीं समाचार में, न्यूज में देखेगा केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, भाई केजरीवाल है कौन, तो उनको सर्च किया जाएगा, क्या उनसे लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी? ऐसे में लोकसभा चुनाव आने से पहले क्या अरविंद केजरीवाल के लिए एक फायदे का सौदा है, अरविंद केजरीवाल ये समझ रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जो है खुद डर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल डर रहे होते तो ये जवाब यहाँ पर देते हुए नजर नहीं आते। लोकप्रियता की बात की है तो आपने दिल्ली में तमाम जनता के मुंह से अगर बातों को सुनेंगे तो यहाँ पर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया है वो उसका बखान करते हुए नजर आएंगे। मुफ्त बिजली की बात करें तो यहाँ पर देते हुए नजर आए थे। महिलाओं के विषय में उन्होंने काम किया है, युवाओं को रोजगार देने के लिए पोर्टल यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए काम करते हुए देखे जाते हैं। हर एक वर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, तमाम लोगों के लिए उन्होंने काम किया है और काम की बदौलत वोट पाया है, तभी तो यहाँ पर कई बार मुख्यमंत्री यहाँ पर चुने जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो लोकप्रियता की बात करें तो दिल्ली में तो बखूबी देखी जाती है, पंजाब में भी देखी जाती है, उसके साथ साथ और राज्यों की बात करें तो शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मनीष सिसोदिया, जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो उत्तर प्रदेश में स्कूलों का जायजा लेने जाते हैं तो कैसे स्कूल यहाँ पर पड़े हुए पाए जाते हैं, जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर कुछ और ही यहाँ पर नशीले पदार्थों का सेवन कुछ लोग करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी तस्वीरें भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई गई थी, तो जो साबित करती है कि दिल्ली में शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है अरविंद केजरीवाल ने। इसी बदौलत अरविंद केजरीवाल और राज्यों में भी जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और इन्हीं मुद्दों को वो जरिया बनाते हैं कि वो यहाँ पर जीत पाएंगे। और विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पहुंचे थे और यही बातों को वो करते हुए नजर आए थे। तो लोकप्रियता की बात करें तो वाकई यहाँ पर अगर गिरफ्तारी होती है तो यहाँ पर और जानने की कोशिश लोग करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो और भी ज्यादा फायदा लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तीसरे समन में अगर पेश नहीं होते हैं तो ईडी के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, जो है अरेस्ट वारंट जारी कर। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना ईडी के लिए भी आसान नहीं होगा और अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के बीच और आने वाले लोकसभा चुनाव में खासतौर पर दिल्ली और पंजाब की जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर उनको फायदा मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल जो कहीं ना कहीं अब शातिराना जो है राजनीति खेल रहे हैं, जब से वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा बने हैं, कहीं ना कहीं अब लोग यह भी कह रहे हैं कि वो नीतीश और लालू जैसे दिग्गज नेताओं के साथ बैठकर वो राजनीति सीख गए हैं, लेकिन कोई यह भी कह रहा है कि वो अन्ना हजारे के चेले हैं तो उन्होंने राजनीति वहीं से सीखी है। फिर इन तमाम चर्चाओं के बीच यही एक कहीं ना कहीं मुद्दा उठता है कि आखिर जो है आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी पर जरूर ही खतरा मंडराएगा और उनके अस्तित्व को भी, क्योंकि जिस पार्टी का कहीं ना कहीं जो संयोजक है वो गिरफ्तार हो जाए, उसके जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो गिरफ्तार हो जाए और निश्चित रूप से शराब घोटाले मामले को लेकर तो एक बड़ा मुद्दा होगा कहीं ना कहीं और आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।